सिंहेश्वर स्थान के मंदिर में जो भक्त पूजा अर्चना करते उनका मनोकामना पूरा हो जाता। बिहार के मधेपुरा में बाबा भोले की नगरी सिंहेश्वर स्थान की महिमा अद्भुत और निराली है। यह बिहार के मधेपुरा जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग स्थापित है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। यह वही पावन भूमि है जहां राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी हुई थी। यहां लाखों श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मनोकामना लिए बाबा सिंहेश्वर महादेव के दरबार पहुंचते हैं। लोगों की आस्था है कि बाबा के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा है। बाबा सिंहेश्वर सबकी मुरादें पूरी करते हैं। सावन सब के दौरान शिव भक्त दूर दराज से कांवड़ यात्रा कर सिंहेश्वर बाबा को जल अर्पण करने के लिए आते हैं। कथाओं में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह स्थान श्रृंगी ऋषि का तपोभूमि हुआ करता था। इस स्थान पर श्रृंगी ऋषि भगवान शिव को पूजा करते थे। ऋषि ने सात हवन कुंड का निर्माण कराया था, जो आज भी मौजूद है। सिंहेश्वर स्थान प्रखंड मुख्यालय स्थित बाबा नगरी अब नगर पंचायत बन चुका है। नगर पंचायत का नाम बाबा सिंहेश्वर के नाम पर ही रखा गया है। बताया जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग काफी प्राचीन है। सिंहेश्वर नाथ मंदिर में पवित्र सावन माह के मौके पर बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है, जबकि महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ एक महीने का मेला भी लगाया जाता है। यह मेला बिहार के बड़े मेलों में से एक है, जबकि पर्यटन विभाग द्वारा 3 दिनों का सिंहेश्वर महोत्सव यहाँ होता है। बाबा सिंहेश्वर के विषय में मानता है कि एक बार बाबा भोले कैलाश पर्वत से रूप बदलकर भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने हिरण का रूप धारण कर लिया था। भगवान शिव हिरण का वेश धारण कर पृथ्वी लोक चले आए। इधर सभी देवी देवता उन्हें ढूंढने लगे। इसी बीच पता चला कि भगवान शिव पृथ्वी लोक पर है। इधर देवलोक में शिव के गायब होने से सभी देवता परेशान थे। ऐसे में ब्रह्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें खोजना शुरू किया। उन्हें पता लगा कि भोलेनाथ हिरण बनकर घूम रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु उन्हें ले जाने पृथ्वी लोक आगे, जहाँ हिरण तो मिला लेकिन हिरण रूपी भगवान शिव जाने को तैयार ना हुए। इस पर भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जबरन ले जाने चाहा, लेकिन हिरण गायब हो गए और आकाशवाणी हुई कि भगवान शिव आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मनोकामना होती है पूरी। यह वही पावन भूमि है जहाँ राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी हुई थी। ऐसी मान्यता है सिंहेश्वर स्थान का नाम श्री ऋषि के नाम पर पड़ा। श्रृंग ऋषि ने यही कोसी नदी के किनारे बसे इसी तपोवनी पर राजा दशरथ के लिए पुत्र एष्ठी यज्ञ किया था। इसी यज्ञ से प्राप्त खीर को खाने के बाद राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हुई थी और राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सिंहेश्वर मंदिर से महज 1.5 किलोमीटर पर स्थापित गाँव सतोखर के साथ पोखर को हवन कुंड माना जाता है। चूँकि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की कामना यहीं पूरी हुई, इसलिए इसे कामना लिंग माना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मनोकामना, खासकर पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर आते हैं। सिंहेश्वर स्थान में पूरे सावन माह शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। पड़ोसी देश नेपाल से भी शिव भक्त यहाँ भगवान शिव का पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। भगवान के दौरान लगने वाला मेला बिहार और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। सिंहेश्वर स्थान आने पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इसे मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का मंदिर कई हजार वर्ष पुराना है। कोसी के क्षेत्र के जाने माने इतिहासकार शंकर श्रीवास्तव सुलभ जी ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि 1800 ईस्वी के शुरुआती वर्षों में लकड़ी व्यवसाय हरिचरण चौधरी द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर कोसी के किनारे थी, लेकिन कोसी ने इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। आज वर्तमान समय में भी मंदिर के उत्तर कोसी की क्षारण धारा बरसाती हुई नदी के रूप में बहती है। मंदिर न्यास के सदस्य और वयोवृद्ध महासेवी 70 वर्षीय मदन मोहन सिंह कहते हैं, जब से उन्होंने होश संभाला मंदिर को देख रहे हैं। उनके दादा भी बचपन में इस मंदिर के बारे में बतिया करते थे। वे कहते हैं कि 90 के दशक तक मेले में हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि जानवर भी आते थे। यह मेला इलाके का बड़ा मेला होता था। इस मेले से लोग साल भर के जरूरी सामान खरीदते थे। मंदिर काफी पुराना और ऐतिहासिक महत्व का है। मंदिर का नीचे का भाग किसी पहाड़ से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग स्थापना के संदर्भ में कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन इस बारे में कई किंवदंती प्रचलित है। प्रचलित एक किंवदंती के अनुसार कई 100 साल पहले यह क्षेत्र घने जंगल में घिरा हुआ था। यहाँ अलग अलग बगल के गोपालक अपनी गायों को चराने आते थे। एक कुमारी कामधेनु गाय प्रत्येक दिन एक निश्चित जगह पर खड़ा होती तो स्वतः ही उसके स्थान से दूध गिरने लगती। एक दिन गोपालक ने यह दृश्य खुद देखा। सबों ने मिलकर खुदाई की तो शिवलिंग मिला। सिंहेश्वर में शिवलिंग है, उसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि शिवलिंग स्वयं अवतरित हुई है। स्वयं अवतार रहने एवं देवता द्वारा निर्मित मंदिर होने के कारण
कोसी के उफान में भी मंदिर ज्यों का त्यों रह गया। अंतर नदी को ही धारा बदलनी पड़ गया, जो नदी अब भी मंदिर से पूरे अलग हटकर नदी बह रही है। एक धारणा यह भी है कि शिव पुराण के रुद्र संहिता खंड के वर्णित महर्षि दधीचि और राजा द्रुत के बीच अंतिम संघर्ष यही हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों ने विराटनगर नेपाल के भीम बांध क्षेत्र में शरण लेने के पश्चात सिंहेश्वर में शिव की पूजा की थी। मध्ययुग में मंडन मिश्रण तथा शंकराचार्य का शास्त्रास्त्र भी यही हुआ था। राजा दशरथ के लिए पुत्र स्त्री यज्ञ करने वाले श्रृंगी ऋषि की तपोवनी रहने की वजह से इस जगह का नाम सिंहेश्वर पड़ा है।